देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है मॉर्निंग न्यूज का, जिसमें हम आज की खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। हरियाणा में जीत की हैट्रिक लगाने के लिए बीजेपी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गढ़ रोहतक से रणघोष करेगी। लोकसभा चुनाव में ताकतवर होकर उभरे भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चुनौती देने के मकसद से बीजेपी ने पांचों सांसदों की जीत का अभिनंदन कार्यक्रम रोहतक में रखा है। आज रोहतक में इस कार्यक्रम के जरिए विधानसभा चुनाव के लिए हुंकार भरी जाएगी। झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन एक दिवसीय दौरे पर जमशेदपुर पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर जमशेदपुर जिला प्रशासन के द्वारा कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया गया और कार्यक्रम को लेकर कई दिशा निर्देश अधिकारी को दिए गए। आज रांची में भाजपा करेगी बैठक। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने अपनी कमर कस ली है। आज भाजपा रांची में बैठक कर रही है, जहां शिवराज सिंह चौहान, हेमंत विश्वा शर्मा, साथ ही भाजपा के कई सांसद और बड़े नेता मौजूद रहे। आज जेपीएससी में मेंस एग्जाम। आज जेपीएससी मेंस एग्जाम का दूसरा दिन है। बता दें कि परीक्षा को दो पालियों में खत्म कराया जाएगा। ये परीक्षा कल तक चलेगी। वहीं परीक्षा के लिए रांची में कुल 14 केंद्र बनाए गए। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग रेजिडेंसी एरिया इंदौर द्वारा राज्य सेवा एवं राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 जिले के 4 परीक्षा केंद्रों में आज OMR आधारित विधि से प्रातः 10 बजे से 12 बजे तक एवं दोपहर 2 बजे से 15 बजे से शाम 4:15 तक दो सत्रों में आयोजित की जाएगी। बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा और जहीर आज शादी नहीं करेंगे। जानकारी मिल रही है कि कपल रजिस्टर्ड मैरिज करेगा। सोनाक्षी के पिता शत्रुघ्न ने बताया कि शादी को लेकर उनके परिवार से किसी ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा ये प्राइवेट फैमिली मैटर है और इन चीज़ों को जरूरत से ज्यादा अटेंशन मिल रही है। एक्टर ने यह भी कंफर्म किया कि आज शादी नहीं, रिसेप्शन है। कल्याण ज्वेलर्स बीकानेर में अपना नया शोरूम लॉन्च करने जा रहा है। कल्याण ज्वेलर्स का ये शोरूम बीकानेर के रानी बाजार में सूरज टॉकीज के पास स्थित है। बॉलीवुड अभिनेत्री मलाइका अरोड़ा आज शाम 5 बजे नए शोरूम का उद्घाटन करेंगे। पटना के ज्ञान भवन में आज राज्य स्त्री आम महोत्सव आयोजित है। मध्यकालीन किस्मों में लंगड़ा, मालदा, हेमसागर, अमन, इब्राहिमपुर, कृष्णभोग, अल्फांसो, दशहरी, हुस्ने आरा, खासुल खास, बेनजीर, आबे हयात के अलावा 1367 किस्में शामिल हैं। पिछात किस्मों की फजली, सुकूल, सीपिया, समर बहिस, चौसा, तैमूरिया की 667 किस्में शामिल हैं। आज से 6 जुलाई तक हर बूथ पर चलेगा एक पेड़ मां के नाम अभियान। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर संगठनात्मक कार्यक्रमों के माध्यम से बूथ केंद्र पर लोगों के बीच सेवाभाव से काम किया जाता रहा है। इसी कार्यक्रम के तहत आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस के अवसर पर जिले के सभी 29 मंडलों के 1581 बूथों पर वृक्षारोपण होना है। आज से पूर्वी उत्तर भारत में शुरू होगी बारिश। बता दें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 1-2 इलाकों में अभी लू की स्थिति बनी हुई है। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आज और कल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर हीट वेव की स्थिति बनी रहेगी। वहीं आज से पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में मानसूनी बारिश शुरू होने का अनुमान है। वक्त हो गया है आज के इतिहास का, तो आइए नगर डाल लेते हैं आज के इतिहास पर। साल 1868 में आज के दिन क्रिस्टोफर एल शुल्ज़ को टाइपराइटर के लिए पेटेंट मिला था। साल 1912 में आज के दिन कंप्यूटर साइंस के बादशाह कहे जाने वाले क्रिप्ट एनालिस्ट एलन ट्यूरिंग का जन्म हुआ था। साल 1960 में आज के दिन जापान और अमेरिका के बीच सुरक्षा समझौता हुआ था। साल 1964 में आज के दिन मशहूर अमेरिकी लेखक डेन ब्राउन का जन्म हुआ था। साल 1980 में आज के दिन विमान हादसे में नेहरू गांधी परिवार के सदस्य संजय गांधी की मृत्यु हो गई थी। मॉर्निंग न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।